जहाँ रानियाँ बैठा करती थी उस टाइम मॉर्निंग टाइम ठंडी हवा खाती थी, उस टाइम पहले एसी कूलर नहीं थे। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद का चांद देखते थे। हिंदू रानी क्रिश्चियन के पत्थर के दरवाजे हैं, स्टोन गेट वन पीस के अंदर, जिसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ हाथ की कारीगरी है। सामने जो है ये सारा चाइनीज पेंटिंग है, सामने जो नज़र आता है आपको। उस टाइम अकबर के जहांगीर के टाइम इसके अंदर डायमंड फिटिंग थे हीरे। सारी जो कब्रें हैं सलीम चिश्ती फैमिली गुरु फैमिली, आज भी जो लोग जीवित हैं मरने के बाद उन लोगों को यहीं पर दफनाया जाता है, क्योंकि अकबर बादशाह उस अनारकली को दुनिया की नज़रों में यहाँ चुनवा देता है और चुनने के बाद महल के अंदर ऐलान कर देता अनारकली मर गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूँ अकबर के ख्वाबों की नगरी फ़तेहपुर सीकरी। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा वो जगह जहाँ पर अनारकली को ज़िंदा चुनवाया गया था। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। ये पानी का टैंक है, कुंड 4 फुट गहरा है। यहाँ लोग बजू बनाते हैं, बजू होता है ना, मुँह हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके बाद में यहाँ कुल्ला वगैरह बजू बनाने के बाद में मुस्लिम लोग वहाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और आज फ्राइडे है, बहुत अच्छा दिन है, गुड लक। तो सामने यहाँ नमाज होती है, ये पूरा मस्जिद आज के दिन भर जाएगा। सामने ये पानी गहरा है, हाँ 4 फुट गहरा है। इसका जो पानी है वो नीचे से पाइपलाइन से आता है, ये पूरा इसमें लोग वजू बनाने के बाद में वहाँ सामने प्रे के लिए आते हैं फ्रेश होने के बाद में। ये मस्जिद है सामने जो बना हुआ है, अकबरी मस्जिद, जिसमें आज भी 5 टाइम की नमाज होती है। पैर मत डालना भैया। ये जो छतरिया बना हुआ ना, ये सारा राजस्थानी डिज़ाइन है। 140 छतरियाँ हैं। यहाँ उस टाइम इलेक्ट्रिक लाइट मशीनें नहीं थी, इनमें मिसालें इस्तेमाल किया करते थे रोशनी के लिए। और ये जो कमरे बने हुए उस टाइम के 83 कमरे हैं। स्कूल मदरसा टीचर नेम अब्दुल फजल फैजी, उन्होंने किताब बनाई आईने अकबरी। और सबसे बड़ी जो मीनार है आपको जो नज़र आती है ऊपर में 3 है, जहाँ रानियाँ बैठा करती थी उस टाइम मॉर्निंग टाइम ठंडी हवा खाती थी। उस टाइम पहले एसी कूलर नहीं थे। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी क्रिश्चियन वो है, तीनों रानी बैठती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी कड़वा चौथ का चांद देखती थी, क्रिश्चियन जो रानी थी वो सूरज को प्रार्थना किया करती थी। इसका वो स्मॉल रास्ता है, चलने की नहीं है, टूरिस्ट की वजह से क्लोज कर दिया है। और ऊपर में जो होले बने हुए हैं छोटे छोटे, ये पिजेंस हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन जो अकबर के टाइम पहले चिट्ठी लेके नहीं जाया करते थे, मोबाइल डाकिया नहीं थे, ये पोस्टमैन का काम किया करते थे। अकबर इनको दाना चुगाता था, चिट्ठी टांग के गले में इनको उड़ा दिया करता था। और ये अकबर, ये सलीम चिश्ती बाबा के पोते की दरगाह है, ग्रैंडसन। ये जहांगीर के टाइम पे कमांडर थे फौज के, इनका कहना था जब मेरा डैड हो तो मेरे दादा के पास मज़ार बनाए। जो मन्नत लोग वहाँ करते हैं वही मन्नत यहाँ करते हैं। मन्नत जब पूरी हो जाती है तो अपने घर पे गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं विश करने के बाद में। आज भी यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। ये उस टाइम के पत्थर के दरवाजे हैं, स्टोन गेट वन पीस के अंदर, जिसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ हाथ की कारीगरी है। सामने जो है ये सारा चाइनीज पेंटिंग है, सामने जो नज़र आता है आपको। उस टाइम अकबर के जहांगीर के टाइम इसके अंदर डायमंड फिटिंग थे हीरे, या जी इनमें डायमंड थे जी, क्योंकि यहाँ जब ब्रिटिश आया हीरे जवरात सोना चांदी निकाल के नहीं, ये चूने का पेंटिंग चाइनीज भर गया इसके अंदर में, निकाल के ले गए। हाँ, ये सारी जो कब्रें हैं सलीम चिश्ती फैमिली गुरु फैमिली, आज भी जो लोग जीवित हैं मरने के बाद उन लोगों को यहीं पर दफनाया जाता है। जिस पे ये वो स्लेट बना हुआ ना, ये लेडीज़ की पहचान होती है। और जो पेन बना हुआ है सामने वो जेंट्स की पहचान होती है। ये जो स्लेट तख्ती बना हुआ है ये लेडीज़ की पहचान होती है, और ये जो पेन बना हुआ है जेंट्स की पहचान होती है। तो आज भी जो लोग जीवित हैं सलीम चिश्ती फैमिली, 16वीं पीढ़ी चल रही है, आज भी उन लोगों को यहीं पर दफनाया जाता है, सलीम चिश्ती के वंश के लोगों के, जिनका नाम है खुर्शीद अलीम चिश्ती, यहाँ के शहजादे हैं, फतेहपुर सीकरी के दरगाह के यहाँ के इंचार्ज, जो इस बिल्डिंग का देखा वाली करते हैं। आइए अभी आप चलेंगे इस कली को, कैद किया था मुगले आजम फिल्म जो आपने देखा होगा, अनारकली सलीम जो एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। अकबर को पसंद नहीं था, क्योंकि अकबर बादशाह उस अनारकली को दुनिया की नज़रों में यहाँ चुनवा देता है और चुनने के बाद महल के अंदर ऐलान कर देता अनारकली मर गए। मगर वो मरते नहीं, उसको यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। तो अंदर में आप सुरंग देखेंगे, वो सुरंग यहाँ से आगरा फोर्ट तक जाती है, 40 किलोमीटर।
आगरा का आपने लाल किला देखा, वहीं पे एंट्रेंस कर दिए, देख के आना आराम से। तो अभी आप लोग आ चुके हैं सुरंग के अंदर में। ये सुरंग है उस टाइम का अंडरग्राउंड ट्रेनर। ये ट्रेनर यहाँ से आगरा फोर्ट तक जाता है 40 किलोमीटर। ये ट्रेनर अब बंद कर दिया क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लाइट मशीनें नहीं है, चमगादड़ वगैरह थी, इसलिए इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ एक मूवी फिल्म बनी थी मुगले आजम, जो अनारकली सलीम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अकबर बादशाह उस अनारकली को यहाँ कैद कर देता है, उसके बाद इसी रास्ते से उसको निकाल दिया जाता है। अभी आप देखेंगे, हाँ अभी आप देखेंगे सुरंग के सामने ही पत्थर का कूलर है, उस टाइम का वेंटिलेशन जो अकबर के टाइम पे देख के आराम से। उस टाइम पहले इलेक्ट्रिक वगैरह लाइट मशीनें नहीं थी, जिनके अंदर मिसालें इस्तेमाल किया करते थे रोशनी के लिए, कैंडल स्टैंड, उस टाइम के एसी कूलर। हाँ आज भी हवा आती है, इसका जो हाइट है अंदर से ऐसे करके न करो पूरा ऊपर से आ जाएगा। ये देखो ये पूरा अंदर से खाली है, इसका जो हाइट है 70 फीट का है, ऊपर से 3 फुट खुला हुआ है। आइए, ये 3 जगह हैं, एक इस तरफ, 2 इसके बैक साइड। यहाँ जोधा भाई बैठती थी, वहाँ रुकैया बेगम, इसके आउटसाइड किरीशन मरियम। उस टाइम ये पहले कब्रें नहीं थी, इस जगह को बोलते हैं जमात खाना मीटिंग हाउस। यहाँ अकबर के टाइम पे लेडीज़ें का इंसाफ हो जा करता था। बस यहाँ से ये 3 बने हुए हैं, 1, 2, 3। इस बिल्डिंग को बोलते हैं मीटिंग हाउस, जमात खाना। उस टाइम 2 रानी पर्दा नहीं करती थी, मुस्लिम रानी पर्दा करती थी, उसके लिए पर्दा सिस्टम दिया जाली का जो आप देख रहे हैं। ये पर्दे के अंदर में यहाँ रुकैया बेगम बैठती थी सामने, बाकी की दोनों रानी साइड में, यहाँ जोधा भाई, वहाँ मरियम, यहाँ रुकैया बेगम इधर में। तो अभी आप चलेंगे बाहर निकलेंगे, ये सारा हो चुका है अंदर। सलीम चिश्ती के फैमिली के लोगों की ये पूरी ग्रेप बनी हुई है इसके अंदर में, बाबा सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती के परिवार की, मतलब मेल फीमेल वाला। हाँ सलीम चिश्ती विक फैमिली, लेकिन ही कौन के नहीं आए लिए चादर तो। इधर से आ जाओ साइड। ये स्क्रीन जो बना हुआ है ओनली 1 पीस में, सिंगल स्टोन दिया, वाइट मार्बल, लाल पत्थर के अंदर में, अकबर समय का ओरिजिनल स्क्रीन है ये। अकबर बादशाह ने यह हैंडवर्क करवाया था। ये सब जनाना कबर है, पर्दे के साथ में जनाना लोग को बनाया जा दफनाया जाता था। हर जाली का वर्क इसका अलग है, डिफरेंस जालियाँ होंगी। ये नेशनल डायरी अकबर समय की 450 साल पुरानी जालियाँ हैं। पहले यहाँ उस ज़माने में संतराज से हैंडवर्क करते थे, पत्थर को बनाने के बाद इस तरह से हैंडवर्क करके बनाया जाता था। ये वाइट मार्बल की जालियाँ जो देखे हैं आप, ये जालियाँ सम्राट अकबर के टाइम की नहीं है। बहन जी इधर आइए, ये जाली अकबर के टाइम की नहीं है, ये जाली जो बना हुआ है वाइट मार्बल में, जांगी ने इसको बाद में कराया गया था। पहले लाल पत्थर का टूम बना हुआ था, गुरुजी ने डेड किया था 1571 में। अकबर ने इसी मॉडल में इस तरह से दरगसीब को लाल पत्थर का बनवाया था। जांगीर को मालूम हो कि मैं आपकी दुआ से आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ, जांगीर ने लाल फतेह को चेंज कराने के बाद 1572 में जांगीर ने इसको वाइट मार्बल कराया गया। दरगाह शरीफ की जालियाँ 156 स्क्रीम है, 156 वर्क इसका हैंड वर्क अलग और डिफरेंस है। दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था। तो ये वही जगह है जहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था, लेकिन इसके बारे में आपको जो सच्चाई वो आपको बता देता हूँ। ये काली अफवाह थी, जो ये एक रास्ता है सुरंग है जो आगरा फोर्ट तक जाता है, आगरे किले तक। तो मतलब इसी दरवाजे से अनारकली को बाहर निकाल दिया था और यहाँ पर अनारकली को चुनवाया नहीं गया था। दोस्तों आपको सामने जो ये कब्रें दिखाई दे रही है, ये बाबा सलीम चिश्ती के परिवार के लोगों की कब्र है। बाहर की तरफ जो आपको ये कब्र दिखाई दे रही है, ये जेंट्स की, मतलब जो पुरुष है उनकी कब्र है। और अभी अंदर चलेंगे जहाँ पर लेडीजों की कब्र है, और आपको एक और शानदार चीज़ दिखाएंगे, एक पत्थर का दरवाज़ा है वो हम आपको दिखाएंगे। आपको सामने जो ये गेट दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये पत्थर का दरवाज़ा है, देख सकते हो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। ये पहले यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है
और यहाँ पर जो आपको कब्र दिखाई दे रही है ये महिलाओं की कब्र है,